नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आस पास के पाठ 24 जीवन का जाल के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ जीवन का जाल में बच्चों द्वारा बनाया गया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और छात्रों के कठिन परिश्रम से उनका एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन की सहायता से विभिन्न प्रकार के घर निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, विभिन्न पशु पक्षी एवं प्राकृतिक स्रोतों पर प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले शिक्षक छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर समूह अपने प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना लेता है। समूह चाहे तो प्रश्नों की आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इसको किस प्रकार से प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे पहले कच्चे घर अधिकतर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो गाँव में। दो प्राकृतिक स्रोतों के नाम बताइए, तो सूरज और चांद। भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है, बाघ। रेंगने वाले किसी जीव का नाम बताइए, सांप। बांस के खंभे पर बने हुए घरों को घर कहाँ देखने को मिलते हैं, आसाम में। इस प्रकार शिक्षक छात्रों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कौशल युक्त साधनों, भवन निर्माण की वस्तुओं आदि को पहचानने और उनकी समझ को विकसित करना तथा वस्तुओं और स्थानों को पहचानने के साथ साथ विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस के परिवेश की पहचान के साथ उनकी क्षमता विकसित करना। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में जो संवाद करते हैं, तर्क देते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभव को साझा करते हैं, इससे उनकी कौशल का पता चलता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCERT 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस प्रकार शिक्षक पाठ जीवन का जाल को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। वास्तव में ये नवाचार एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।